हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रिप। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो एक और नई गाड़ी के ऊपर। आज हमारे साथ है नई रिसेंटली लॉन्च 2022 ऑल्टो K10। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स जो कि नए आ गए हैं। दोस्तों ये टोटल जनरेशन चेंज है जो कि 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। बट सबसे पहले आपको बता देते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो 4 वेरियंट्स में ये गाड़ी आपको ऑफर करी गई है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 3.99 लाख रुपीज़। उसके बाद आता है LXi जिसका प्राइस है 4.82 लाख रुपीज़। उसके बाद आता है VXi जिसका प्राइस है 4.99 लाख रुपीज़। VXi के अंदर आपको ऑटो गियर शिफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका प्राइस है 5.49 लाख रुपीज़। यानी कि 50,000 रुपये के गैप में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके अलावा टॉप एंड वेरियंट जो मैंने आपको दिखाना है आज के इस वीडियो में VXi प्लस, इसका प्राइस है मैनुअल में 5,33,000 और ऑटोमेटिक के अंदर 5,83,000। तो जो पर्टिकुलर गाड़ी आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो में उसका प्राइस है 5,83,000। स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से और आपको दिखाते हैं इसके सभी एस्पेक्ट, क्या क्या चीज़ें बदल दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें रिटेन करी गई हैं। एक एंट्री लेवल कार है और एंट्री लेवल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रंट लुक्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रीडिजाइंड बम्पर। तो उसमें प्लेटफॉर्म भी नया है और गाड़ी पूरी तरह से नई है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। हनीकॉम डिज़ाइन में ग्रिल दी गई है जो कि मैट ब्लैक में, ग्लॉसी वगैरह की फिनिश यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीचे की तरफ आएंगे आपको एक लिप टाइप की फिनिश देखने को मिलेगी, प्लस एयर डैम यहाँ प्रोवाइड कराई दी गई है। उसके अलावा हेडलैम्प्स की तरफ आते हैं तो हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं जिसमें हाई बीम और लो बीम दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे है। हेडलैम्प्स के अंदर आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी जो कि एक प्रीमियम एहसास कराती है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई फॉग लैम्प्स का ऑप्शन नहीं है। हुड एरिया देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा हुड यहाँ पे नहीं है। और चलिए चलते हैं अब साइड लुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले फ्रंट फेंडर, तो इंडिकेटर अभी भी यहाँ पे फेंडर पे देखने को मिल रहा है। टायर की तरफ आ जाते हैं तो 13 इंच के व्हील्स विद व्हील कवर्स, टायर साइज है 145/80R13। ORVMs की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लैक ORVMs आपको देखने को मिलेंगे और कोई इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन इसमें नहीं है। ऊपर आ जाते हैं तो एक नॉर्मल माइक्रो एंटेना जैसे बोलते हैं वो मिलेगा। रिजेस दी गई हैं इसके रूफ पे। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। ग्लास एरिया ठीक ठाक है। बी पिलर्स की बात करें तो बॉडी कलर्ड है। डोर हैंडल्स कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे कोई क्वार्टर ग्लास नहीं दिया गया है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल में गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं रेयर की। तो यहाँ रेयर में आप देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है बट कोई डीफॉगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा सुजुकी की बैजिंग, की फॉब और ऑल्टो K10 की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टेल लैम्प्स की तरफ आ जाते हैं तो अगेन हेडलैम्प्स वाला एलिमेंट यहाँ पे भी डिटेलिंग कर दी गई है टेल लैम्प्स में। और ओवरऑल रेयर लुक कुछ इस तरह की मिलेगी। रेयर बम्पर की बात करें तो 2 पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और एग्जॉस्ट आपका यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आ चुका हूँ नई ऑल्टो K10 2022 के इंटीरियर में और यहाँ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ बदल दी गई है। तो सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड पे एक लुक डालेंगे तो पूरा डैशबोर्ड चेंज कर दिया गया है। सभी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक हैं बट क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर डिटेल्स पे जाते हैं तो पैसेंजर साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। डुअल एयरबैग्स इस गाड़ी में आ रहे हैं, राउंड एसी वेंट्स हैं जिन पर सिल्वर सराउंड आपको देखने को मिलेगा। सेंटर पर आते हैं तो यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स और हजार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे दे दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो मैनुअल एसी, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन सिल्वर एक्सेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट आपको दे दिया गया है, एक USB सॉकेट और एक ऑक्स सॉकेट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कवी होल दिया गया है और ट्विन कप होल्डर्स आप इन्हें बोल सकते हैं। ऑटो गियर शिफ्ट का लिवर आप यहाँ देख सकते हैं और हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी, कोई आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। क्रैब हैंडल नहीं दिया गया है यहाँ पे। और सनशेड के साइज़ की अगर बात करें तो काफ़ी छोटा ये सनशेड मेरे को लग रहा है, बट एंट्री लेवल कार है तो ज़्यादा शिकायत यहाँ पे नहीं करी जा सकती है। IRVM की बात करें तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइडेड नहीं है। केबिन लाइट हैलोजन में दी गई है, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो ठीक ठाक साइज़ है, आप अपने पेपर्स वगैरह यहाँ पे ईजिली स्लॉट इन कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर डिजिटल हो गया और स्टेयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग के ऊपर भी आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिए जा रहे हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट शायद नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। अब आ जाते हैं राइट साइड पे और वहाँ दिखाते हैं आपको बाकी चीज़ें।
चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं चाबी। तो सेंट्रल लॉकिंग के साथ मारुति की टिपिकल की आ रही है, और स्पीडोमीटर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे ऑफ़र किया गया है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम आप कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ओवरऑल कंट्रोल सिमिलर है मारुति वाले ही, और कुछ ऐसा इंटीरियर दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर साइड की। तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलते हैं, एक कॉइन होल्डर देखने को मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल की बात करें तो सिल्वर में फिनिश किया गया है। यहाँ से आप मिरर एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक बॉटल होल्डर है, छोटा सा कभी होल यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस चारों ही डोर्स में आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करें तो कुछ डमी बटन्स दिए गए हैं जिनको आप मॉडिफिकेशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप हेडलैम्प लेवलिंग कर सकते हैं, और ये आपका लिवर दिया गया है हुड ओपन करने के लिए। पेडल्स अगर आपको दिखाऊं तो ब्रेक पेडल ठीक ठाक साइज़ का है, और कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है। की आप यहाँ पे लगा सकते हैं हेडलैम्प लिवर, और यहाँ पे आपको फ्यूल और बूट ओपन करने के लिए लिवर्स दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पर, ड्राइवर सीट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से एडजस्ट। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी आइडियल ड्राइविंग पोजिशन। अब रियर डोर पैनल की अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपको सिमिलर दिखाई देंगी, बट यहाँ पे विंडोज़ आपको मैनुअल देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये टॉप एंड मॉडल है, ऑटोमेटिक। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे भी है, बॉटल होल्डर्स यहाँ नहीं दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो लेग रूम मेरे को ठीक ठाक मिल रहा है, हेड रूम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और हेडरेस्ट की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे यहाँ पे भी फिक्स्ड हेडरेस्ट है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये भी फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं बूट स्पेस। स्पेसिंग के मामले में मेरे को ये गाड़ी ठीक ठाक लगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको देखते हैं आप ड्राइवर साइड से अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं, या फिर की से इस बूट को ओपन कर सकते हैं। रियर सीट आपको बेंच फोल्डिंग में देखने को मिलेगी, और हेडरेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स दिए गए हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है। लोडिंग लिप ठीक ठाक है, मतलब हाई बोल सकते हैं आप इसे, बट बूट स्पेस मेरे को अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 इंच का स्टील व्हील आपको देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल कुछ इतना बूट स्पेस है जो प्रैक्टिकल आपके यूसेज में आ सकता है। प्लस पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ दी गई है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग के साथ आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हार्ट यानी कि इंजन की। तो ये आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी का 1 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन, जो आपको देता है अराउंड 67 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क। माइलेज की अगर बात करें तो 24.90 की क्लेम्ड माइलेज है इस पर्टिकुलर मैनुअल इंजन की, और ऑटोमेटिक में माइलेज थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। रिफाइनमेंट के मामले में 3 सिलेंडर इंजन है, बट डुअल इंजेक्टर फंक्शन के साथ ये आ रहा है। और ओवरऑल यहाँ आप देखेंगे तो पैकेजिंग वगैरह नहीं करी गई है, क्योंकि रिफाइनमेंट काफ़ी बेहतर है। प्लस एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं गाड़ी की, प्लस इंजन की पैकेजिंग काफ़ी टाइटली पैक दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। बाकी दोस्तों हुड पे आपको सिंगल नोजल और डुअल वाइपर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने नई ऑल्टो K10 2022 VXI प्लस, इसके ऑटो गियर शिफ्ट के साथ इसका टॉप एंड वेरिएंट रेड कलर में एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन खुला है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।